हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आप प्रिंटर कैसे शेयर कर सकते हैं आपके नेटवर्क में। जो आपके सभी पीसीस हैं वो केबल से कनेक्ट होने चाहिए और या नेटवर्क में होने चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप फर्स्ट जो है आपके पीसी में IPDS या तो DHCP सर्वर अगर इनेबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं अनेबल तो आप बेसिकली स्टैटिक IPDS असाइन कर सकते हैं। लोकल एरिया में जाके उसकी प्रॉपर्टी में जाके IPv4 एड्रेस देना है, जहाँ पर आपको 192.168.1.1 आप कोई भी ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास यूज़ कर सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट गेट में एडिशनली टाइप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सो क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, माई कंप्यूटर में जाके उसकी प्रॉपर्टी में चेक कर लेना है। ये बेसिकली आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि अगर आपको पीसी नेम का थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेना है जो पीसी नेम है। उसके बाद आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है, स्टार्ट में जाके। उसके बाद जो आपका प्रिंटर है, मैं बेसिकली यहाँ पर कोई वर्चुअल प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ। सो उसकी शेयरिंग टैब में जाके, उसकी प्रॉपर्टी में जाके, उसकी शेयरिंग टैब में जाके आपको शेयर दिस फोल्डर पर टिक लगा के ओके कर देना है, तो आपका प्रिंटर नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। सो आपको दूसरे सिस्टम में जाना जहाँ पर आपको ये प्रिंटर यूज़ करना है। सो वहाँ पर भी सेम स्टेप फॉलो करनी है, तो आपको यहाँ पर भी IPDS साइन कर देना है। वैसे जहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट IPDS साइन करना है, लास्ट में जो नेटवर्क एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा, जो होस्ट आईडी होगी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। सो बेसिकली बाकी सभी चीज थिंग्स का आपको सेम ही रखना है और क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा आर प्रोग्राम में जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए फॉर कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप टाइप कीजिए पिंग 192.168.1.1। जब हिट एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिप्लाई बैक आ जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा जो आपके पीसी से सक्सेसफुली आपस में कनेक्ट है। उसके बाद आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड प्रिंटर और यहाँ पर ऐड करना है ऐड नेटवर्क प्रिंटर और वायरलेस प्रिंटर। आपका जो प्रिंटर है वो सम टाइम यहाँ पर शो हो जाता है अगर आपकी नेटवर्क डिस्कवरी अनेबल है। तो अगर प्रिंटर ना शो हो तो आप करना नीचे क्लिक कर सकते हैं प्रिंटर वाज नॉट रजिस्टर्ड। आप यहाँ पर एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं और ब्राउज भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप वो PC ब्राउज करिए जहाँ पर आपका प्रिंटर शेयर है, और प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट पाथ भी यहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं जो आपका PC नेम और / प्रिंटर नेम है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका प्रिंटर नेम आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। तो जो आपका प्रिंटर है वो आपके डिवाइस प्रिंटर में शो हो जाएगा, तो आपका प्रिंटर शेयरिंग सक्सेसफुली अनेबल है। I'm gonna be a black man.